कुशवाहा के साथ आ रहे हैं कि आप लोग के साथ आ रहे हो, स्वागत करेंगे क्या? हम लोगों ने से कोई अभी तक कोई मिला नहीं है। अगर हमारा कोई प्रवक्ता जाके किसी से भी मिलता आ जाए, अगर नीतीश कुमार जी भी बीमार पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं जाके उनके स्वास्थ्य की चिंता करूंगा। लालू जी भी अगर बीमार पड़े हैं तो हम लोगों का भी था कि भाई उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही क्लियर मैंडेट है कि 1990 से 2005 में जो लालू जी ने जंगल राज कायम किया था, जिस घोटालों के पूरी सरकार थी, पूरे बिहार में अपहरण हत्या के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था, उस समय जिन्होंने भी लड़ाई उस सरकार के खिलाफ लड़ी है उन सभी के लिए भाजपा के दरवाजे खुले। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो व्यक्ति राजनीतिक तौर पे बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया हो, आज न उनको कोई उनके दल में कोई पूछ रहा है, न विरोधी दल में कोई पूछ रहा है, न इस देश की राजनीति में कोई पूछ रहा है, और वह व्यक्ति जो इतना डरा हुआ हो कि बिहार का मुख्यमंत्री होने के बाद बिहार की जनता से मिलने में उसको डर लगता हो, शर्म लगता हो, झिझक लगता हो, इतने सारे समाधान यात्रा में वह एक जगह भी आम आदमी से मिल नहीं सके, ऐसे डरे हुए व्यक्ति को कौन अपने साथ रखना चाहेगा? वन बाय वन, यह मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जो नेताजी लोग जिस दल में जाते हैं वह उनका प्रॉब्लम है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि बिहार में भाजपा के संगठन को मजबूत करना, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। किस नेता को कौन ठगता है, किस नेता को कौन बेवकूफ बनाता है, कौन नेता किसके साथ रह करके झूठ बोलते हैं या साथ रहते हैं, यह मेरा हेडेक नहीं है। मेरा एक ही काम है, 2024 में हम 36 से ज्यादा कैसे सीट जीत सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है, और इसमें पूरे बिहार की जनता साथ में है कि अगला भी प्रधानमंत्री 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत सरकार के कारण जनता ने यह देख लिया है कि 60 से ज्यादा गरीबों के कल्याण की योजनाएं आज चल रही हैं। क्या चीज? हाँ, चार लोग मत बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए। सवाल ये है, अभी पूरी पॉलिटिक्स जो है अति पिछड़ा और पिछड़ों के सेंटर में है, लेकिन आप लोग महापुरुषों के नाम पर अगड़ों को साध रहे हैं। ये जयंती समारोह जो हो रहा है वो अगड़ों को साधने के लिए हो रहा है? बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी, और मैं फिर आप सब पत्रकारों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया कर किसी महापुरुष को किसी धर्म या जाति में नहीं बांटें। माननीय स्वामी सहजानंद जी का पूरा जीवन किसानों के हित में, मजदूरों के हित में था, और जमींदारों के खिलाफ था। सहजानंद जी जैसे व्यक्ति को किसी जाति से, समाज से बांटना एक बिहार विभूति को अपमानित करने वाली बात है। धन्यवाद।